हो जाइए तैयार गुरु, करने वाले हैं आज 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों आज है 19 सितंबर, 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम है कि समाप्त हो गया है। आज थर्ड फेज का ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद सेकंड फेज से आपका फोर्थ फेज का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों का फोर्थ और फिफ्थ फेज में एग्जाम है वो अगर 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का PDF ऑनलाइन फॉर्मेट में लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों सामने दिया गया है, वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 19 सितंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रेट प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखने को मिल रहा है कि माजुली द्वीप आप किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप की बात करें तो ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा नदी द्वीप है, सबसे ऊंचा नहीं सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद उमानंद की बात करें, उमानंद जो आपका छोटा नदी द्वीप है वो भी दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो असम में आपका स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या कौन है? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म आपका 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गांव में आपका हुआ था। और राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे, वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको दोस्तों आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था पहली महिला फुटबॉल की खिलाड़ी जिसने अपना पहला गोल है जो कि ब्राजील के खिलाफ किया था। आपका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो आपका इस तरह था कि मनीष कल्याण जो कि आपके भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है अपना गोल किस देश के खिलाफ किया था? तो दोस्तों आपका ब्राजील के खिलाफ किया था, तो ब्राजील आपका राइट आंसर था। बात करें मनीष कल्याण की तो ये आपके पंजाब की रहने वाली है और उनको एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है और गुरुवार को 19 वर्षीय आपका 19 साल की है कल्याण ब्राजील के खिलाफ गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है और दोस्तों केवल दूसरी भारतीय बनी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, संविधान सभा के कौन अध्यक्ष पूछा गया था या प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया था, इसका जो डाउट है वो आप क्लियर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बता के। तो इस प्रश्न में दोनों को देख लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों तो 1946 आज के दिन मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों क्या किया गया, अस्थायी नियुक्त किया गया था, लेकिन अस्थायी की बात करें तो दोस्तों आपका सचिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था मात्र 2 से 3 दिन के लिए। और जो आपका संविधान सभा की पहली बैठक है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये प्रश्न आपके कल के शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप बताइएगा संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया था या संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष को पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका PLI स्कीम में कितना बजट आवंटित किया गया है आपका 2021-22 के बजट के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों PLI स्कीम की घोषणा की बात करें तो 2021-22 के बजट में की गई थी, इसमें दोस्तों 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो दोस्तों आपका 1.9 करोड़ लाख रुपए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न आपका देखने को आया था पैगंबर मोहम्मद से संबंधित कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का उदय कब किया था, इस तरह का कोई प्रश्न देखने को आया था। तो दोस्तों बात करें इस्लाम का उदय कब हुआ था तो आपका 7वीं शताब्दी में आपका हुआ था 669 ईस्वी में, ठीक है। बात करें ये पैगंबर मोहम्मद का तो आपका मोहम्मद पुन अबुल अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल इब्न इनका पूरा नाम है जो आपको देख सकते हैं। इसके अलावा 570 ईस्वी में इनका जन्मदिन हुआ था और 632 ईस्वी में ये आपका मृत्यु हो गया था। इस्लाम के संस्थापक की बात करें तो कुरान को दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था और 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और 622 ईस्वी में अपने अनुयायी के साथ प्रवास करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इस्लाम का उदय जो सो आपका कब हुआ था 7वीं शताब्दी में आपका हुआ था 619 ईस्वी के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डाडो बट्टा जो किस भारी की सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा की बात करें दोस्तों तो ये आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका जो ऊंचाई है आपका 2637 मीटर आपका स्थित है। उट्टी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है डोडो बेटा पहाड़ी जो कि दोस्तों आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि एचआईवी किस किस से नहीं फैलता है, तो दोस्तों एचआईवी की बात करें तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन के अनुसार इसको आपका सही टिक करना था। तो ऑप्शन दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका
ये दीपिका पल्लिकल, और दोस्तों आपका पूछा गया था ये सौरभ घोषाल के बारे में कि दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल कॉमनवेल्थ में किस गेम्स में आपका कांस्य पदक आपका जीती थी। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो दोस्तों 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का सरदार प्रदर्शन जारी रहा था और टीम इंडिया मेडल तेली में चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस के बाद स्क्वैश में आपके भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। स्क्वैश में दोस्तों मिश्रित युगल में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की डोना लोमन कैमरून पिल्ले को सीधे सेटों में दोस्तों हरा कर 50वां कांस्य पदक जीता था। तो आपको मालूम चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्क्वैश बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, यही राष्ट्रमंडल खेल से एक और आपका प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल जो खेल है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों आपकी राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये दोस्तों आपका हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बर्मिंघम में आपका 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेला गया था और कुल 72 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा गया था बिशु जीवा उत्सव के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो बिशु जीवा उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये आपका कहाँ का त्यौहार है, तो ये दोस्तों आपका नागालैंड का त्यौहार है। ठीक है, नागालैंड का त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों एक बिशु पर्व है जो कि दोस्तों आपका दक्षिण भारत में लोकप्रिय त्यौहार है, ये दोस्तों आपका केरल और तमिलनाडु का लोकप्रिय पर्व है। तो बिशु भी आपसे पूछा गया था लेकिन इस बार आपको पूछा गया था बिशु जीवा पूछा गया था, तो बिशु जीवा दोस्तों आपकी बात करें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड आपका इसका राइट आंसर था। और बिशु पर के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका केरल का था जो कि दोस्तों आपका आया भी था। ठीक है, था कि ये 1921 में लाला लाजपत राय किस संगठन से आपका जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका मिल नहीं पाया है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 1920 ईस्वी में आपका महात्मा गांधी जी ने अशोक आंदोलन का शुरुआत किया था और इस आंदोलन का जो शुरुआत है पंजाब में आपका लाला लाजपत राय जी ने कर रहे थे और 1921 से 1923 ईस्वी के बीच लाला लाजपत राय जी जेल में डाल दिए गए थे। तो दोस्तों अगर ये आपका 1921 से 23 के बीच आपका जेल में थे तो ये दोस्तों आपका कौन सा संगठन से जुड़े हुए थे, इस तरह का कोई प्रश्न आया था तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि नेत्र का कौन सा जो भाग है वो आपका रंग का निर्धारण करता है। तो दोस्तों बात करें आंखों के रंगीन भाग को आइरिस या पारितारिका कहते हैं जिसमें मौजूद पिगमेंट से हमारी आंखों का रंग तय होता है, तो पारितारिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा या आपका आइरिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों कि आपका एक प्रश्न और देखने को आया था कि लोकसभा 2019 की लोकसभा में कौन से नंबर के था आपका लोकसभा हुआ था। तो दो अभी दोस्तों वर्तमान में जो चल रहा है आपका 17वीं लोकसभा चल रहा है। ठीक है, और 2019 की बात कर सॉरी 2019 की लोकसभा कौन से नंबर की थी, तो 2019 की लोकसभा में चुनाव हुआ था दोस्तों जो कि आपका 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था जो कि अभी वही चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में बात करें लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं तो 545 सदस्य हैं और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष और अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 मनोनीत सदस्य भी मिलाकर सदस्य की संख्या 543 है। आपको मालूम होगा राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं जो कि पिछले सीटों में आपका पूछे भी गए थे और इसकी संख्या दोस्तों 545 होता है और अधिकतम संख्या की बात करें तो 550 अधिकतम संख्या लोकसभा का होता है और राज्यसभा का दोस्तों 250 अधिकतम और 245 दोस्तों आपका वर्तमान में सदस्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें आपका कि एक आया था कि बजट बजट 2022 के भारत 100 ईयर के कितने पिलर हैं। आपके ऑप्शन में था 1 2 3 4, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ग्रुप 16 ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में केवल एक नॉन मेटल कौन सा आपका ग्रुप है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 17 ग्रुप दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका नॉन मेटल है। ठीक, आपसे यही पूछा गया था कि ग्रुप 14 15 16 में कौन एक नॉन मेटल है, तो आपका 17 राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम का उदय पूछा गया था जो कि 17वीं सदी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता क्या है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य कौन है, तो दोस्तों बात निर्वाचित सदस्य का तो दोस्तों संविधान सभा में 5 से 6 लोग निर्वाचित सदस्य हैं जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ये सब निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन क्वेश्चन क्या आया था आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न आया था कि किस राज्य या किस
केंद्र शासित प्रदेश ने एडुकेशन पर 12 एजेंसियों के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोस्तों आपका तेलंगाना होगा तो सही है, अगर तेलंगाना नहीं होगा तो दोस्तों इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा कि किस स्टेट या यूटी ने एक एडुकेशन पर आपका 12 एजेंसियों के साथ आपका समझौता किया है, ठीक है। औद्योगिक इकाई में क्या मात्रक और क्या मान होता है, तो इस तरह का भी प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपका अश्व शक्ति अगर ऑप्शन में था तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा दोस्तों नहीं था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न अभी तक से फर्स्ट 19 सितंबर में पूछे गए थे, तो दोस्तों आपका जो प्रश्न आपका 100% रियल है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो हम लोग के द्वारा तैयार किया गया है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आपको ये मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।